कार्टून टीवी। खूनी भेड़िया भाग दो। काफी समय पहले की बात है, रंगपुर के जंगल में एक सफेद शेर रहता था। उसकी बुद्धिमानी और अच्छे स्वभाव के कारण जानवरों ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से एक भेड़िया उसकी कुछ ज्यादा ही सेवा पानी में लगा हुआ था। ये क्या है? ये शिकार मैं आपके लिए लाया हूँ। ये शिकार तुमने कहाँ से किया? मैं पड़ोस के जंगल में गया था, जहाँ से शिकार करके लाया हूँ। यदि आपको लगता है कि मैंने अपने जंगल में शिकार किया है, तो ऐसा नहीं है। अपने जंगल में किसी जानवर का शिकार मैं नहीं करता हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मरा हुआ शिकार नहीं खाता हूँ। मैंने अभी इसका शिकार किया है, इसका मांस बिल्कुल ताजा है। आजकल तुम मेरी बहुत सेवा और खातिरदारी कर रहे हो, क्यों? कोई बात है क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं की? आप जंगल के राजा हैं, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? अच्छा अच्छा, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। शिकार ताजा है, लेकिन आश्चर्य की बात है, इसमें खून नहीं है। कोई नहीं, बैठे बिठाए शिकार मिल गया, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। मीकू खरगोश और चिंकू हिरण शेर के पास पहुंचते हैं। तुम दोनों एक साथ आए हो, क्या बात है? जंगल में सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, हम लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या है। जंगल में ऐसा क्या हो गया? पिछले कुछ समय से जंगल में रहने वाले हमारे साथी गायब हो रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, आप चिंकू भाई से पूछ लीजिए, यकीन ना हो तो। हाँ, मीकू सही कह रहा है, मेरा एक जिगरी दोस्त था, वो भी अचानक से कुछ दिनों से गायब है। मैं इसका कोई उपाय करता हूँ। ठीक है। वो शिकार करने के लिए निकलने ही वाला था कि उसके पास भेड़िया आ गया। राजा जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए हिरन का शिकार करके लाया हूँ। बहुत अच्छा, देखो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या हो गया? जंगल में बहुत सारे जानवर गायब हो रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पता लगाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें मंत्री बना देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। मंत्री बनाए जाने पर भेड़िया बहुत खुश होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, राजा को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, तभी तो उसने मुझे जंगल का मंत्री बना दिया। मजा आ गया, अब तो मैं किसी भी जानवर का शिकार कर सकता हूँ। अब मेरे खिलाफ बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। दूसरी ओर भेड़िये को मंत्री बनाए जाने से जानवरों में रोष था। मीकू और चिंकू दोनों आपस में बात करते हैं। राजा ने भेड़िये को मंत्री बना दिया है, मुझे तो उस पर ही शक है, वो निर्दोष होने का नाटक कर रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने कई बार रात के समय उसके चेहरे पर खून का निशान देखा है, और वो बहुत ही खतरनाक ढंग से मुझे देख रहा था। ओह, ऐसी बात है। हाँ, लेकिन मैंने डर से कुछ नहीं बोला। चिंकू आज फिर से परेशान है, क्योंकि उसका एक और दोस्त गायब हो गया है। चिंकू अपने दोस्त मीकू से बात करता है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ चिंकू? मेरा एक और दोस्त गायब हो गया है, पता नहीं कौन है जो जंगल से एक एक करके सभी जानवरों को गायब कर रहा है। जानवर एक बार फिर से राजा से शिकायत करते हैं, जिससे राजा भी चिंतित हो जाते हैं। अब हमें खुद इसका पता लगाना पड़ेगा।
शेर को भेड़िए पर शक हो जाता है। वो छिपकर उस भेड़िए का पीछा करता है। तभी वो देखता है कि भेड़िया एक हिरन का शिकार करता है और उसका खून चूसने लगता है। ये देखकर शेर बहुत ही डर जाता है। ये भेड़िया नहीं है, भेड़िए के भेष में कोई और है। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। शेर अपने दोस्त बंदर से भेड़िए के बारे में बात करता है। बंदर भाई, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। अरे भाई, मुझे बुला लेते, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरी बात करनी है। क्या क्या हो गया? शेर बंदर को भेड़िए के बारे में पूरी कहानी बताता है। फिर तो ये कोई भूत है जो भेड़िए के शरीर में प्रवेश कर गया है। ओह, तो अब क्या करें? मेरे पास एक उपाय है। उसे बहला फुसला कर एक गहरी खाई में गिरा देते हैं, जिससे वो कभी वापस हमारे जंगल में नहीं आ पाएगा। ये सही आइडिया है। बंदर भेड़िए को बहला फुसला कर एक खाई के किनारे ले जाता है और उसे पीछे से धक्का दे देता है। बचाओ बचाओ, मर गया रे, अरे मर गया। बड़ी मुसीबत से पीछा छूट गया। जब बंदर वापस लौटने लगता है तो खाई से भूत के हंसने की आवाज आती है। तुम क्या सोचते हो, मैं मर गया? नहीं, यदि तुम ये सोचते हो कि तुमने मुझे मार दिया तो ऐसा नहीं है, मैं मर नहीं सकता हूँ। भेड़िए की आवाज सुनकर बंदर डर जाता है और वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है और शेर को पूरी कहानी बताता है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भेड़िया नहीं है, भेड़िये के भेष में भूत है। वो खाई में गिरने के बाद भी उससे बाहर निकल आया। ओह, ये तो बहुत गंभीर मामला है। अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ सोचने दीजिए। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, क्या उपाय है? बचपन में मेरे चाचा कहते थे कि गंगा जल से भूत से मुक्ति मिल जाती है। ओह, यदि ऐसा है तो हम ये उपाय तो कर ही सकते हैं। वो कैसे? बस तुम किसी तरह से गंगा नदी से जल लेकर आओ, बाकी काम मैं करूँगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और गंगा जल लेकर आता हूँ। शेर भाई, मैं गंगा जल लेकर आ गया। शाबाश, बहुत अच्छा। देखो, कुछ देर में यहाँ भेड़िया आने वाला है, इसीलिए तुम छुप कर रहो। जब मैं कहूँगा तो तुम बाहर आ जाना। भेड़िये को ये पता नहीं है कि हम उसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या बात है, आप मेरा आज इंतजार कर रहे हैं? बस तुम्हारे बारे में कुछ योजना बनाई है। भेड़िया जैसे ही शेर के पास आता है, शेर उस पर हमला करके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर वो बंदर को पुकारता है। दोस्त, जल्दी से आओ। बंदर शेर के पास गंगा जल लेकर आता है। अब तुम जल्दी से इसे जल पिलाओ। तभी भेड़िया उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करता है। देखो, भागने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। अभी पीता हूँ, अभी पीता हूँ। भेड़िया गंगा जल पी लेता है। तभी उसके शरीर से रोशनी निकलती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। और इस तरह भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जंगल में फिर से सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें
और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।